प्रतिभा शर्मा और एक नए कंटेंट के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको हमारा हॉस्टल, और इसके बाद आज से ही मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जलालाबाद के बारे में। उसमें जलालाबाद के बारे में होगा और गर्ल्स हॉस्टल्स के बारे में होगा, गर्ल्स से रिलेटेड होगा, आई मीन फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे उनसे रिलेटेड, जो ट्रांसफर स्टूडेंट्स होंगे उनसे रिलेटेड, आई मीन जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड मैं दिखाऊंगी। अभी ये हम पहला जो हॉस्टल है यहाँ पे हम आए हुए हैं, इसके बाद एक और हॉस्टल है, मैं वहाँ से आपको ले जाऊँगी। सुमो हॉस्टल ऑल दिस मैस है इस हॉस्टल का, जहाँ पे आप जो है सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हो, जैसे ये लोग सेल्फ कुकिंग करते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि ये क्या बना रहे हैं, उनसे पूछते हैं आप क्या बना रहे हो। जैसे कि आप देख रहे हो ये लोग आलू फ्राई बना रहे हैं, और ये इंडक्शन है, जो इंडक्शन पे ये यूज कर रहे हैं। आपका अपना इंडक्शन या इन्होंने प्रोवाइड किया है? इन्होंने प्रोवाइड किया है। और ये है यहाँ का खाना। ये खाना कहाँ से आता है? खाना स्टूडेंट टाउन से। ये खाना जो है स्टूडेंट टाउन से आता है। स्टूडेंट टाउन जो है हमारा मेन हॉस्टल है जहाँ पे मैं रहती हूँ। उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर जब टाइम मिले मैं आपको बता दूंगी, बना के दिखा अपलोड कर दूंगी। और ये लड़कियों के लिए टेबल है जो आप देख सकते हो, टेबल चेयर लगा हुआ है, बैठ के यहाँ पे खाती है क्योंकि जिनका मेस है वो मेस। आप लोगों का मेस है? ओके, तो जिनका मैस है वो यहाँ पे खाती है, और जिनका नहीं है वो अपना बना के यहाँ पे खाती है। सो दिस इज ऑल किचन, यू कैन से मैस प्लस किचन। यहाँ पे बच्चे अपना बर्तन धोते हैं, सिंक है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हो गीजर भी लगा हुआ है उनके, ठंडा पानी आए तो अपना वो यूज कर सके क्योंकि यहाँ पे ठंड काफी टाइम तक रहता है। अभी भी ठंड है बाहर, आप देख सकते हो मैं जैकेट पहनी हूँ। और यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली, जो मेन हॉस्टल है उसमें स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो बाकी जो स्टूडेंट्स बचे उनके लिए यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड कराया है ये हॉस्टल। तो ये बहुत यहाँ पे आई थिंक बहुत कम ही होंगे स्टूडेंट्स, तो दैट्स वाई ये सारा टेबल जो है थोड़ा सा ही है, कुकिंग है जो उनके यूज के लिए है। और इनका जो खाना है वो मेन हॉस्टल से आता है, जो कि मैं जहाँ पे रहती हूँ और वहाँ से कई हॉस्टल्स के लिए खाना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे वो खाना इनके लिए आता है जो गर्ल्स हैं, जो मेस वाली लड़कियाँ हैं उनके लिए मोस्टली। तो गाइज अभी ये आप देख रहे हो कि मेन डोर है ये यहाँ पे, और इधर वाला पोर्शन मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे लड़कियाँ जो है अपने कपड़े सुखाती हैं, और बाकी और तो कुछ इधर दिख नहीं रहा है, आई थिंक सो मे बी अंदर होगा लॉन्ड्री जो भी है। हम चलते हैं अंदर देखते हैं, और कैमरामैन प्लीज कम इनसाइड। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं और आप यहाँ देख रहे हो कि काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया है। मुझे लगता है ये मेन हॉस्टल है उससे भी सारे मुझे अच्छा ही लग रहा है, वाइब्स काफ़ी अच्छी आ रही है। यहाँ पे आप प्लांट्स देख सकते हो कि यहाँ प्लांट्स लगाया हुआ है। अब ये मुझे नहीं पता कि गर्ल्स ने लगाया है या हॉस्टल की वार्डन ने लगाया है, आई डोंट नो, पर फिर देखते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि ऊपर रूम है, तो हम ऊपर पहले चलते हैं देखते हैं ऊपर में क्या है, रूम है कि नहीं है। सो प्लीज़ कम। तो अभी हम ऊपर वाले फ्लोर में हैं, और जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैं दिखाना चाहूँगी वॉशरूम है,
और ये बाथरूम है ओके। तो यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी दिखाई दे रही है क्योंकि आज संडे है तो आपा नहीं आई है और आज के दिन वैसे उनकी ऑफ होती है, संडे है। तो अभी मैं आपको रूम दिखाती हूँ ओके। सो लेट्स गो। अभी रूम में कोई है नहीं, वो बाहर चले गए। देखते हैं कि अंदर का रूम आपको दिखाते हैं। अभी शायद वो बाहर गई होगी। आप देख रहे हैं कि ये तीन बेड हैं, एक दो और ये तीन। वैसे ये थ्री सीटर नहीं है, टू सीटर ही है, पर यहाँ पे ये तीनों फ्रेंड है तो ये तीनों एक साथ रहना चाहती हैं और इसलिए इन्होंने बंकर बेड लगाया हुआ है। और ये टेबल भी इनको एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से प्रोवाइड किया गया है। और आप देख सकते हैं ये चेयर भी, सारा कुछ है। इधर भी दो टेबल है इनके पास, एक दो उधर, और दो चेयर है। और तंबुस्की इनके पास, इसको तंबुस्की बोलते हैं यहाँ पे एक्चुअली। तो तंबुस्की इनको तीन प्रोवाइड किया गया, एक दो और तीन। और ये नीचे आप फर्स्ट पे देख सकते हो मैट लगाया गया है, ये एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन ने ही प्रोवाइड किया है। ये यहाँ पे टू सीटर है, ये साइड वाला जो भी है रूम सारे टू सीटर है। सामने जो रूम है वो आप दिखाओ रूम को, सामने वाला रूम। यस, जो सामने वाला रूम है ये फोर सीटर है एक्चुअली। तो ये टू सीटर था जो अभी आपको मैंने दिखाया, और इस वाले साइड में जो है सारे फोर सीटर हैं ठीक है। तो अभी यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है तो सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर गए हुए हैं ओके। सो मैं आपको इसलिए, इसमें मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स नहीं हैं तो हम दूसरे वाले रूम में चलते हैं। हम इस रूम में चलते हैं, देखते हैं ये फोर सीटर है तो मैं देखती हूँ है या नहीं। देख सकते हैं ये फोर सीटर है और यहाँ पे ये फोर बेड है, एक दो तीन और चार। और यहाँ पे टेबल एक ही प्रोवाइड किया गया है आई थिंक, यस हाँ एक ही प्रोवाइड किया गया है। विंडो भी है यहाँ पे, वेंटिलेशन होता रहे इसलिए। इसकी छत मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ये दिखाओ प्लीज़। लाइटिंग भी इनकी अच्छी है। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे चार लड़कियाँ हैं तो चार इनको कवर भी प्रोवाइड किया गया है, एक दो और ये तीन और ये चार ठीक है। तंबुस्की इनकी चार है, एक यहाँ पे है और एक इस साइड रखी हुई है। आप दूसरा तीस इधर है आपके सामने, इधर ये देख सकते हो आप, ये है ठीक है। और टेबल भी इनके लिए ठीक है, टेबल एक ही प्रोवाइड किया गया है। और इनको भी मैट प्रोवाइड किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से, सब कुछ आई मीन ऑलमोस्ट सब चीज़ें जो है प्रोवाइड की गई हैं। और काफ़ी स्पेसियस है रूम जो आपको दिख रहा है, मुझे थोड़ा व्यू दिखाओ। और ये सीलिंग प्लीज़ ज़रूर दिखाना। यहाँ पे सामने आपको फ्लैट दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे आप फ्लैट में भी रह सकते हो पर वो अलाउड नहीं है अभी। आई मीन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, अभी मुझे नहीं पता थर्ड ईयर के लिए अलाउड है कि नहीं, पर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर के लिए अलाउड है। तो अभी हम दूसरी साइड करते हैं, नीचे नीचे साइड में आपको अभी मैंने नहीं दिखाया, तो नीचे वाला पोर्शन मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सो मिलते हैं डाउन स्टेयर रूम देख लें। अभी यहाँ का स्टडी रूम कैसा है, यूनिट सी। और ये स्टडी रूम है, ओपन यू कैन सी। और ये स्टडी रूम है इनका, यहाँ पे चेयर्स अभी तो फिलहाल दो ही दिख रहे हैं मुझे, मे बी शायद लड़कियाँ जो है यहाँ से लेकर गई हुई हैं अपने रूम में पढ़ने के लिए, बिकॉज समटाइम्स दे आर नॉट फीलिंग लाइक यहाँ पे नहीं पढ़ना। तो वैसे काफ़ी अच्छा बनाया गया है, लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है कि आप प्रॉपर जो है लाइटिंग की यहाँ लिए। यहाँ पर डोर भी है, आई मीन विंडो भी है। यहाँ पे हीटर ऐसे ही होता है, किर्गिज की लैंग्वेज में तकलीनिया बोलते हैं इसको, आई डोंट नो कि किर्गिज लैंग्वेज में बोलते हैं या रशियन लैंग्वेज में बोलते हैं, बट इसको तकलीनिया बोलते हैं ओके। सो यहाँ पे ठंडा काफ़ी होता है तो इसलिए ये रूम को काफ़ी टाइम तक तो ये गर्म किए रहता है, सो दिस इज़ गुड ओके। एंड लाइटिंग के तो हमने देख ही लिया काफ़ी अच्छा। अभी हम नीचे चलते हैं और नीचे के रूम से देखते हैं कि वहाँ पे कैसा है, और मुझे काफ़ी आराम से चलना पड़ेगा ये प्लीज़ जल्दी हम फास्ट क्लिक करिए। मुझे वैसे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि स्पेस में बहुत ज़्यादा
जो कि सिक्योरिटी पर्पज से लगाया गया है। अगर कोई गर्ल्स रात को जाती है, कोई भी गर्ल जाती है, तो उसका चेहरा इसमें दिखाई देगा। आप प्लीज दिखाओ उस कैमरे में, आप दिख रही हो। हाँ, सो ये जो है मोस्टली सिक्योरिटी पर्पज से ही लगाया गया है यहाँ पे, ताकि गर्ल्स को सेफ्टी रहे गर्ल्स के लिए। तो अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर का नीचे वाला रूम देखते हैं कि नीचे के रूम्स कैसे हैं। सो वो फ्लोर पे हैं और ग्राउंड फ्लोर पे ये रूम और जो है सीनियर का है, सिक्स्थ ईयर। तो हम उनके रूम में चलते हैं, अंदर देखते हैं कि उनका रूम। अभी हम रूम में जाने से पहले कुछ जूनियर्स हमारे हैं जो यहाँ पे अभी नहीं जा रहे हैं। सो वेयर आर यू गोइंग? जेजी की तरफ। ओके, सो यहाँ पे हमारे हॉस्ट हमारे कॉलेज में कुछ कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, तो ये वहीं जा रहे हैं। सो JGT है, JGT का फुल फॉर्म क्या है? जलालाबाद गॉड टैलेंट। ओके, सो ये वहीं जा रहे हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे कि इनको हॉस्टल कैसा लग रहा है, इनसे व्यू लेंगे। ओके, सो वे आर यू फ्रॉम वाइज वे? अवे फ्रॉम तमिलनाडु। ओके, यू बोथ आर? बोथ। ओके, एंड व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज प्रीति। माय नेम इज मिशा। ओके, सो हाउ आर यू फीलिंग, लाइक हाउ इज द हॉस्टल? या वी फील कंफर्टेबल, इट्स कंप्लीटली सेफ। ओके, एंड हाउ इज फूड? इट्स गुड मैम, एवरीथिंग इज लाइक इंडियन फूड इज प्रोवाइडेड। सो आर यू गेटिं लेट फॉर JGT? या सो हम अब जाने का टाइम नहीं लेंगे, यू कैन गो प्लीज। थैंक यू। सो अभी हम रूम के अंदर चलते हैं। ये हमारे सीनियर्स हैं जिसका नाम हेलो। हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सी इज दानुमा। हाय, तो आपको ये भी रूम टू सीटर ही है, नीचे का रूम भी टू सीटर ही है। और आप देख रहे हो एक बेड यहाँ पे है और एक बेड यहाँ पे है। सो और इनको भी प्रोवाइड किया गया है दो कवर, एक यहाँ पे है और सामने एक इधर है। तंबूज की भी है इनके पास, जो कि मैंने पहले दिखा दिया है। और हम ये हमारी सीनियर है, तो ये कितने साल से वैसे आप यहाँ पे रह रहे हो इस हॉस्टल में? हाँ, इस हॉस्टल में दो साल से। दो साल से, तो ये दो साल से रह रही है। तो इनसे हम व्यू लेंगे कि यहाँ पे इनको कैसा लग रहा है, और जो पुराना हमारा हॉस्टल था जिसमें मैं रहती हूँ अभी, उसमें इसमें क्या इनको फर्क दिखता है? सो क्या फर्क दिखता है, कि वो ज्यादा अच्छा था कि ये ज्यादा अच्छा है? नहीं, हॉस्टल के हिसाब से देखो तो ये हॉस्टल ज्यादा अच्छा है। ओके, पहला पॉइंट ये है कि यहाँ शांति बहुत है, आप आराम से अपने रूम में आराम से पढ़ सकते हैं, यहाँ कोई इतना हल्ला चला नहीं होता। जूनियर सब है, अगर कुछ हल्ला कर भी रही तो एक बार बोल दीजिए, उनको शांत हो जाती है। दूसरा बात फैसिलिटी का देखो, यहाँ की आपा बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेट करती है, कुछ भी आप उनको बोलिए वो तुरंत हेल्प कर देती है। थर्ड है कि लॉन्ड्री बहुत सही है, वीक में आप वन वीक में एक दिन कपड़ा दे सकते हैं, जिस दिन आप कपड़ा दीजिएगा धोने के लिए उसके शाम को आपको कपड़ा मिल जाएगा। खाने का क्या करते हो, कैसे खाने का? ये मेस है ना, तो वही हम लोग को दिया गया है खाना बनाने के लिए, इंडक्शन रखा हुआ है, तो हम लोग जब भूख लगता है वहीं जाकर खाना बनाते हैं। जो मैं एंट्री करने से पहले आपको दिखाई थी मेस वहाँ पे, कि अब मैंने दिखाया था कि इंडक्शन भी प्रोवाइड किया गया है, तो ये लोग वहीं पे बनाते हैं इनका खाना पीना, जो भी है जो उनको बनाना होता है वहीं बनाते हैं, जो नॉन मेस है। और मेस वालों का तो आपको पता, मैंने बताया था कि उनका खाना आता है हमारे जो हमारा जो मेन हॉस्टल है वहाँ से, जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो अभी आप जिस लड़की के साथ रह रहे हो किस ईयर की है? वो फोर्टीन की है। तो उसके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? बहुत अच्छी है, हम लोग अच्छे से मिलजुल के रहते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं, टाइम मिलता है तो बात भी करते, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो साउथ इंडिया की है, मैं नॉर्थ इंडिया की है, तो हमें बनेगा नहीं करके। तो इसमें लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं जो हिंदी बोलती हूँ सब समझ जाती है, समझते सब है, वो थोड़ा थोड़ा बोलती है, उसको सिखा रही हूँ मैं हिंदी कि चल तू भी मेरे साथ हिंदी सीख ले, मेरे साथ हिंदी बोलना करके, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रैगिंग का कोई यहाँ पे कुछ सीन है, क्योंकि जिस हॉस्टल में मैं रहती हूँ वहाँ पे तो ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ का क्या हाल है? नहीं, रैगिंग का कोई सीन कुछ नहीं है। इवन है ना, जूनियर लोग तो बोलती भी है,
दीदी आप लोग तो हमें दिखते भी नहीं हो, सिर्फ रूम में पड़े रहते हो, कितना पढ़ोगे, हम लोग से बात करो, आइए हम लोग के पास बैठिए, कोई भी हेल्प होता है कुछ भी किसी टाइम भी 1 बजे रात को भी आ जाएगी, दीदी ये चाहिए, दीदी वो चाहिए, हाँ ठीक है ले लो जाओ अपना आराम से काम करो। सो यू मीन जो गर्ल्स का आई मीन सीनियर और जूनियर्स के बीच में जो रिलेशन है, जो बॉन्डिंग है, आई मीन वो बॉन्डिंग काफी अच्छी है। हाँ वो बॉन्डिंग अच्छा है। कोई भी कितने बार पूछे कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, दी नहीं नहीं दी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू सो मच जो आपने इतना अपना टाइम दिया और अभी आप स्टडी कर सकते हो, आपको डिस्टर्ब किया, और अभी जो भी क्वेश्चन थे हमारे उनके आंसर हमें मिल चुके हैं, आई होप आपको भी मिल चुका होगा, और अभी हम यहाँ से चलते हैं, साइन ऑफ करते हैं। तो थैंक यू सो मच, अभी हम बाहर आ चुके हैं और बाहर में आपको दिखाऊंगी, आई मीन ग्राउंड ही है और कुछ नहीं है दिखाने के लिए, ऑलरेडी मैंने सारा कुछ दिखा दिया है, और ग्राउंड है एक टाइम यहाँ पे इवनिंग में लड़कियाँ वॉक कर सकती हैं, अपना मतलब जो भी करना हो कर सकती हैं, कुछ प्ले करना है प्ले कर सकती हैं, वैसे काफ़ी स्पेशियस है, मुझे नहीं लगता था इतना स्पेशियस होगा, सो आप देख रहे हो काफ़ी स्पेशियस है ये, बाहर का स्पेस है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, तो ये सारा कुछ है, इतना स्पेस है, आई मीन बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और अगर किसी को आना है, किसी भी जूनियर्स को यहाँ पे आना है तो डेफिनेटली वो आ सकते हो यहाँ पे, अगर आपको आना है तो इस साल तो ये काफ़ी स्पेस कोई है नहीं यहाँ पे, तो आप नहीं आ सकते, नेक्स्ट ईयर आप अप्रोच कर सकते हो वार्डन से बात करके, क्योंकि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, अगर आपको यहाँ पे रहना है तो काफ़ी क्वाइट है यहाँ पे और शांतिपूरी है, आप पूरे शांति से रह सकते हो, कोई आपको परेशान नहीं करने वाला है, क्योंकि हमारा जो मेन हॉस्टल है उसमें काफ़ी मुझे लगता है आई फील कि वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके लिए, कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लड़कियाँ बहुत शोर करती हैं वहाँ पे, अब वहाँ पे कैंपस भी हो गया है तो बहुत ज़्यादा हो गया, गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वहाँ पे, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पे आ सकते हो, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, इफ़ यू वांट टू कम यू कैन। ओके आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कैमरा वुमेन सदा के साथ मैं प्रतिभा जासू तक।